आखिर कैसे इस देश ने रेगिस्तान में ही पूरी नदी बना दी और कैसे इस लड़के ने भीड़ को बेवकूफ बना के अपने नुकसान की भरपाई की और क्या सच में बॉलीवुड का अस्तित्व खत्म होने वाला है, जानेंगे इस वीडियो में। और आखिर कैसे इलॉन मस्क ट्विटर की मदद से पूरी दुनिया को अपने हाथों पे चलाएंगे और क्या सच में जीमेल जिससे हम मेल करते हैं वो गूगल के एक एम्प्लॉय की गलती की वजह से बना था। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एकदम एंड तक। नंबर 1, दोस्तों धीरे धीरे पीने लायक पानी की मात्रा कम होती जा रही है जिस वजह से दुनिया की कई जगहों पर और भारत में भी लोगों को पीने के पानी की कमी हो रही है। अगर जल्द ही इंसानों ने इस समस्या के खिलाफ कुछ भी कदम नहीं उठाए तो भविष्य में पीने लायक पानी की कीमतें भी बहुत तेजी से बढ़ जाएंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसकी 90% जमीन रेगिस्तानी है? उस देश का नाम है लीबिया। लेकिन अगर इस देश की 90% जमीन पर रेगिस्तान मौजूद है तो फिर इस देश के लोगों को पीने का पानी कहाँ से मिलता है? विकिपीडिया के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक सन 1980 से पहले इस देश में पानी की बहुत ज्यादा कमी थी। यहाँ तक कि इस देश के कई जगहों पर दो दो तीन तीन साल तक बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरती थी। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस देश के लोगों की किस्मत बदल दी। सन 1953 में पूरी दुनिया के देश अपने जमीन में कच्चा तेल ढूंढने की होड़ में लगे थे। इसी होड़ में लीबिया भी शामिल था। लेकिन किस्मत तो देखो, लीबिया देश को कच्चा तेल ढूंढते ढूंढते पीने का पानी यानी कि फ्रेश वाटर का एक बहुत बड़ा सोर्स मिल गया। ये सोर्स उन्हें नूबियन सैंडस्टोन एक्वीफर सिस्टम फॉसिल के पास मिला। आज फ्रेश वाटर के इस सोर्स से लीबिया के लगभग 70% लोगों को पीने का पानी मिलता है। लीबिया की सरकार ने सन 1980 में नूबियन सैंडस्टोन एक्वीफर सिस्टम फॉसिल एक्वीफर को पाइप की मदद से पूरे लीबिया देश से जोड़ दिया ताकि इस जगह का साफ पानी पूरी लीबिया तक पहुंच सके। पूरी दुनिया लीबिया में मौजूद इस अंडरग्राउंड वाटर पाइप के नेटवर्क को द ग्रेट मैन मेड रिवर के नाम से जानती है। नंबर 2, दोस्तों एक बार एक लड़का अपनी बाइक पे बहुत सारे अंडे की ट्रे लेकर जा रहा होता है। उसी दौरान उस लड़के का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लड़का बाइक के साथ गिर जाता है जिस वजह से उसके सारे अंडे फूट जाते हैं। ये देख उसके आसपास भीड़ जमा हो जाती है और भीड़ के लोग उसे टॉन्ट मारना शुरू कर देते हैं। पागल है क्या, जब चलाने नहीं आती तो बाइक चलाता क्यों है? इसी दौरान उस भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी उस लड़के के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे सारे अंडे तो फूट गए, अब तुम अपने मालिक को क्या जवाब दोगे? ये कहते हुए वो बूढ़ा आदमी उस लड़के की मदद करने के लिए सबके सामने उसे 30 रुपए दे देता है। ये देख वहाँ खड़े बाकी लोग भी उस लड़के को पैसे देने लगते हैं और धीरे धीरे उस लड़के के पास उतने पैसे हो जाते हैं जितने के अंडे फूटे थे। इसके बाद वो लड़का अपनी बाइक उठाता है और जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से एक लड़का दौड़ते हुए आता है और कहता है कि अगर उस बूढ़े अंकल ने तुम्हें 30 रुपए नहीं दिए होते तो तुम्हारा हालत क्या होता, तुम्हारा मालिक तुम्हें छोड़ता नहीं। लेकिन इसके बाद वो लड़का जो जवाब देता है वो सुन के आप भी चौंक जाओगे। वो लड़का कहता है कि वो बूढ़े अंकल ही मेरे मालिक थे। दोस्तों आपको इस कहानी में क्या समझ में आया, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3, क्या बॉलीवुड खत्म होने वाला है और बड़े बड़े स्टार से जिनको अपनी पॉपुलैरिटी पर घमंड था उनका घमंड टूटने वाला है? साउथ की मूवीज का क्रेज पूरे भारत में बढ़ता हुआ दिख रहा है और इसकी वजह है KGF चैप्टर 2, पुष्पा और RRR जैसी मूवीज जिसमें मौजूद एक्शन, इमोशन और कॉन्टेंट ने लोगों का दिल जीत लिया है। और वहीं बॉलीवुड की तरफ देखे तो बॉलीवुड की हर अगली फिल्म फ्लॉप हो रही है क्योंकि बॉलीवुड अपना खुद का कॉन्टेंट बनाने की जगह साउथ मूवीज की रिमेक बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। और अगर बॉलीवुड कोई न्यू मूवी निकालता है तब भी लोगों को पहले से पता होता है कि उस मूवी में क्या होने वाला है। बाकी कमेंट करके बताइए कि आपको साउथ मूवी और बॉलीवुड में कौन सी ज्यादा पसंद है। नंबर 4, दोस्तों इलॉन मस्क ने हाल ही में $44 बिलियन में ट्विटर को खरीदा है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि ट्विटर कंपनी को साल 2021 में 10,600 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ और 2020 में 1,690 करोड़ का। यानी कि ट्विटर एक ऐसी कंपनी है जो ऑलरेडी घाटे में चल रही है। तो फिर आखिर इलॉन मस्क ने एक घाटे में चलने वाली कंपनी को 3,37,000 करोड़ रुपयों में क्यों खरीदा? असल में ये बात इलॉन मस्क भी बखूबी जानते हैं कि ट्विटर पे लगभग दुनिया के हर एक देश के फेमस सेलिब्रिटीज और एजेंसीज के ऑफिशियल अकाउंट मौजूद है। और क्योंकि अब ट्विटर इलॉन मस्क के हाथों में है इसीलिए वो दुनिया के लगभग हर पावरफुल लोगों को कंट्रोल कर सकता है। और दूसरी बात ये कि ट्विटर सभी सोशल मीडिया एप्स में से नंबर 1 ऐप है जिस वजह से इसकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठा के इलॉन मस्क अपने टेस्ला कार के सेल्स को भी दुगना कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपने सिर्फ एक ट्वीट से स्टॉक मार्केट को हिला सकते हैं। नंबर 5, दोस्तों जीमेल जो आज गूगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, असल में ये ऐप कभी भी गूगल का बहुत मेन प्रोजेक्ट था ही नहीं क्योंकि जीमेल गूगल के एक एम्प्लॉय की गलती की वजह से गया था। दरअसल
दरअसल गूगल अपने हर एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए उन्हें साइड प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका देता है। और इसी साइड प्रोजेक्ट के दौरान पॉल नाम के इस एम्प्लॉय ने जीमेल की खोज की। और आज देखिए जीमेल अपने इजी टू यूज और एडवांस्ड फीचर की वजह से पूरी दुनिया में पॉपुलर है। नंबर 6, क्या आपको पता है कि यूके की रानी विक्टोरिया प्रेग्नेंट होने से नफरत करती थी? उनका मानना था कि प्रेग्नेंट होने से औरत की बॉडी बिल्कुल खराब हो जाती है और नए पैदा बच्चे बिल्कुल बदसूरत होते हैं। लेकिन एक अजीब बात बताऊं, अगर आप गूगल पे ये सर्च करेंगे कि क्वीन विक्टोरिया के कितने बच्चे हैं, तो जवाब आपको चौंका देगा। बाकी कमेंट में बताना कि गूगल पर आपको क्या जवाब मिला। नंबर 7, रूस की सेना ने यूक्रेन के चेर्नोबिल पर जब कब्जा किया तो उसके कुछ ही दिनों बाद रूस की सेना ने खुद ही चेर्नोबिल छोड़ दिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि चेर्नोबिल में हुए न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह से आज भी वहां रेडिएशन की मात्रा खतरे के लेवल से बहुत ही ज्यादा है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे मोबाइल से भी रेडिएशन निकलता है और मोबाइल से निकला हुआ रेडिएशन भी जानलेवा हो सकता है? इसी वजह से कहा जाता है कि रात में मोबाइल को अपने पास रखकर नहीं सोना चाहिए। लेकिन वेट, आप चाहो तो अपने मोबाइल का रेडिएशन लेवल आसानी से चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने डायलर में *#07# डायल करना पड़ेगा। अगर आपके मोबाइल का रेडिएशन 1.6 से ज्यादा शो करता है तो आपको अपना मोबाइल जल्द ही बदल लेना चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।